राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी में आने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की होड़ लगी हुई है। सिरोही में पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद के पूर्व सदस्य कुलदीप सिंह देवड़ा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में बुधवार को कांग्रेस को बाय बाय करते हुए बीजेपी को ज्वाइन किया है। कुलदीप सिंह देवड़ा ने भाजपा जिला कार्यालय में पहुंचकर भाजपा पदाधिकारियों के सामने पार्टी का दुपट्टा पहना। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित और लुम्बाराम चौधरी कमलेश दवे ने कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और दुपट्टा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर देवड़ा ने कहा कि जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की कोई सुनवाई नहीं होती है और पार्टी के नेताओं ने रीति नीति को दरकिनार कर दिया। पधारो पूर्ण कीजो काज, सर्वप्रथम गुजानन भगवान की जय। मां भारती के चरणों में मेरा नमन। यहाँ पर विराजमान प्रातः वंदनीय श्री तीर्थगिरि जी महाराज, श्री रामानंद दास जी महाराज, श्री कैलाशनंद स्वामी जी महाराज, सम्मानित मंच, मातृशक्ति, मेरे भारतीय जनता पार्टी परिवार के मेरे भाई और मेरे साथ में जो मुझ पे विश्वास करके और हमेशा जो मेरी ताकत रही है वो मेरे साथ में पधारी हुई मेरी ताकत, मेरे भाई, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप सब ने मुझ पे विश्वास रख के आगे भी मुझ पे विश्वास रखा, आज भी मुझ पे विश्वास रखा है। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका विश्वास कभी कम नहीं होने दूंगा। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अपने कर्म कर रही है उसको ईमानदार छवि वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, उसको स्पष्ट बात करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। और विशेष तौर से यहां की पूरी कांग्रेस को हाईजैक करके जिस व्यक्ति ने रखा है उसको केवल चाटुकार लोग चाहिए। और हमारे ब्लड के अंदर ये विशेषता है कि हम चाटुकारिता तो किसी की नहीं करते, केवल भगवान और गुरु महाराज की करते हैं या फिर धर्म की करते हैं, उसके अलावा हम किसी की चाटुकारिता करने के लिए पैदा नहीं हुए। मेरा यहाँ पर विराजमान भाजपा परिवार से ये वादा है कि जो आज जो आप देख रहे हैं ये तो मेरे आसपास के गांवों से, प्रत्येक गांव से एक दो गाड़ी आई है, सबको लेके नहीं आया हूं, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी तो यहाँ 10,000 लोगों को लाने की भी क्षमता रखता हूं। रही बात निर्दलीय विधायक की, तो वो इतना शक्तिशाली नहीं है जितना लोगों ने उसको बना रखा है, वो एक कमजोर व्यक्ति है। अगर कमजोर व्यक्ति नहीं होता तो हमारे जैसे लोगों के टिकट नहीं काटता, कि उसको डर है कि अगर हमारे जैसे लोग इस लोकतंत्र के भागीदार बन गए तो उसकी जो चल रही है वो चलनी बंद हो जाएगी। इसलिए उसने आने वाले समय में सब जनों के पर काटने का कार्य करा है। जो लोगों के पर काटता है वो कमजोर होता है, शक्तिशाली हमेशा सामना करता है। जैसे उसका छाती ठोक के उसके साथ में रह के 7 साल तक मैंने विरोध किया, मैं कमजोर नहीं था, मैं वहां से डर के नहीं आया, मैं भारतीय जनता पार्टी की जो अच्छाइयां थी मैं उनसे प्रभावित होकर आया हूं, मैं स्पष्टता से प्रभावित होकर आया हूं, मैं धर्म न्याय और नीति से प्रभावित होकर आया हूं। वरना ऐसे किसी निर्दलीय विधायक की मजाल नहीं है कि मैं किसी से डर के मैदान छोड़ के भाग जाऊं, यह मेरी फितरत में भी नहीं है। मुझे प्रेरणा मिली योगेंद्र जी भाई साहब से, नारायण जी भाई साहब से, और मेरे दीपेंद्र सिंह जी पिता पूरा मांगू सिंह जी, ऐसे मेरे कई भाई थे जिन्होंने मुझे कहा कि आप गलत जगह पे बैठे हो, आपकी जगह वो नहीं, आपकी जगह ये है। और मैंने उनकी बात को हृदय से स्वीकार किया कि मैं वास्तव में गलत जगह बैठा हूं, मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, मुझे सब पता है, मैं धर्म की जानकारी भी रखता हूं, मुझे सब पता है कि भीष्म पितामह जो मां गंगा मां के जो बेटे थे, लेकिन जब कौरव सभा के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस वक्त वो बोले नहीं, इसलिए उनको भी अंत में बाणों की सैया पे सोना पड़ा था। इसलिए मैं हमेशा सत्यता की बात करता हूं और वही बात उन लोगों को खटकती थी। अब मुझे जो मंच मिला है वो मंच मुझे सत्यता की बात करने के लिए प्रेरित करने वाला मंच मिला, इसलिए मैंने इस मंच को खुले मन से स्वीकार किया। और मैं वादा करता हूं कि सिरोही शिवगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस का चोपड़ा साफ करके रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए।
बहुत सारे भाई जुड़े हुए हमारे साथ में, युवा शक्ति हमारे साथ में, ये जो बुजुर्ग पधारे 80-70 साल के, इनका आशीर्वाद हमारे साथ में। हम इनकी सेवा करते हैं, तन और मन से करते हैं, धन से भी करते हैं। गौ माता का साथ है, ये साधु संतों का आशीर्वाद हमारे साथ में, मेरे गुरु महाराज चैन जी बापसी का आशीर्वाद साथ में, आमेश्वर महादेव का आशीर्वाद साथ में, इसलिए हम कभी हार नहीं सकते। जो लोग गलत फहमियां पाल के बैठे थे कि इन लोगों का टिकट काट दो, हम प्रधान बना देंगे, प्रमुख बना देंगे, उनकी औकात क्या हुई थी आपको पता है? अगर वो इतने ताकतवर थे, उनकी इतनी चल रही थी, तो 4 सीट जिला परिषद की और पहली बार प्रधान की सीट आई बीजेपी के खाते में, फिर कहां गई उनकी होशियारी? ये होशियारी नहीं है, सारा मैनेज है मामला। बड़ी बातें करना, लोगों को डराना, धमकाना और इस तरीके से अपने चाल को सफल करना। अब बताएंगे कि वास्तविक मुकाबला किसे कहते हैं, कि अब आमने सामने की लड़ाई तो अब होगी। इतने दिन तो साथ में लेकर लड़ा हूं, अब आपका साथ है, मंच है और आप सबका आशीर्वाद है। अब बताएंगे कि सुरेश शिवगंज विधानसभा से कैसे आप वोट लेके जाते हो, ये मेरा चैलेंज है। बाकी आप सब ने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया, आपने अपने परिवार के अंदर मुझे सम्मिलित किया, मैं आपकी आशाओं के अनुरूप कार्य करूंगा और कभी वो कार्य नहीं करूंगा जिससे माँ भारती को लज्जित होना पड़े और आपको लज्जित होना पड़े। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ में बोलो, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।